के जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका संगठन महामंत्री के रूप में वर्षों वर्षों तक हम सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए आह्वान, संकल्प लेने हेतु, सभी लोगों को संकल्प दिलाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय श्री अशोक बजाज जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे इस वर्चुअल रैली के एवं जिला जनसंवाद कार्यक्रम के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री राजेश मूढ़त जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के संगठन के महामंत्री, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री पवन साय जी, साथ ही हमारे आईटी सेल के संयोजक, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी जिला जनसंवाद के कार्यक्रम बेहतर ढंग से संपादित कर पा रहे हैं, सम्मानित श्री दीपक मस्के जी और उनकी पूरी टीम और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पूर्व विधायक श्री नवीन मार्कंडे जी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथीगण उपस्थित हैं। मैं आईटी सेल के संयोजक श्री दीपक मस्के जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय विक्रम उसेंडी जी का, आदरणीय राम प्रताप सिंह जी का एवं अशोक बजाज जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत की इस घड़ी के पश्चात मैं एकल गीत के लिए भाई विनय टंडन जी से आग्रह करूंगा कि वे आकर एकल गीत लेंगे। विनय टंडन जी, भारत माता की। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत की। स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु का रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिन कर चमका है, उठेगी जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने, गज सी हंसी के विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है, माता के गलहार है, अभिमन्यु का रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले, में न घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाए दुश्मन। माँ जी जाके वीर शिवा हम, राणा के अवतार है, अभिमन्यु का रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम, बैरागी के बाण है, लव कुश का हम प्रखर साधना, शकुंतला के प्राण है। चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवन हार हैं, अभिमन्यु का रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों,
उठो जवानों, हम भारत की स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, भारत माता की। धन्यवाद विनय जी। मित्रों, निश्चित रूप से आज कवर्धा जिला जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सारे अतिथिगण भी जिले में उपस्थित हैं। हमारे सांसद सम्माननीय श्री सरोज संतोष पांडे जी, पूर्व सांसद सम्माननीय श्री अभिषेक सिंह जी, पूर्व विधायक सम्माननीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व संसदीय सचिव सम्माननीय श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष श्री अनिल ठाकुर जी, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष श्री राम कुमार भट्ट जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री विजय शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा सम्माननीय श्रीमती सुशीला भट्ट जी, हमारे सम्माननीय श्री विदेशी राम ध्रुवे जी, सम्माननीय श्री रघुराज सिंह जी, सम्माननीय श्री संतोष पटेल जी, सम्माननीय श्री गोपाल साहू जी, सम्माननीय श्री दुर्गेश ठाकुर जी, सम्माननीय श्रीमती देव कुमारी चंद्रवंशी जी, और कवर्धा जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, और इस जनसंवाद कार्यक्रम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय जनों को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि कवर्धा जिले का पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपना एक विशिष्ट स्थान है, जहां एक ओर भोरमदेव मंदिर वहां का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिनकी कृपा दृष्टि हम सबको प्राप्त होती है, और राजनीतिक दृष्टि से भी कवर्धा जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि वहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के जननायक, जहां से 15 वर्षों तक हमको मुख्यमंत्री के रूप में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का लगातार हम सबको नेतृत्व प्रदान हुआ, और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो विकसित और विकासशील स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, और जो छत्तीसगढ़ ने जो विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक ऊंचाइयां प्राप्त की है, आदरणीय मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ ने एक नई दिशा प्राप्त की है। ऐसे कवर्धा जिले में मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ, वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तावना के लिए वहाँ के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री अनिल ठाकुर जी से आग्रह करूँगा कि वह आज के कार्यक्रम के संदर्भ में मंचासीन पदाधिकारियों का परिचय, उनका स्वागत और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपना प्रस्तावना रखेंगे। सम्माननीय श्री अनिल ठाकुर जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कबीरधाम जिला के जनसंवाद रैली में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय विक्रम सिंडी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व संगठन मंत्री, पूर्व वनोपज औषधि बोर्ड के अध्यक्ष रहे हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राम प्रताप जी, इस वर्चुअल रैली के संयोजक
और कबीरधाम जिला के पूर्व प्रभारी मंत्री आदरणीय राजेश मुड़ोत जी, आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साई जी, वर्चुअल रैली के संयोजक आदरणीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, आदरणीय पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी, आदरणीय जिनके नेतृत्व में आईटी सेल के संयोजक आदरणीय दीपक मस्के जी, अशोक बजाज जी, और हमारे साथ जिले में उपस्थित राजनांदगांव क्षेत्र के यशस्वी सांसद, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय संतोष पांडे जी विराजमान हैं, साथ में पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय मोतीराम जी, आदरणीय कवर्धा के पूर्व विधायक अशोक साहू जी, आदरणीय जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मेरे साथ में सहयोगी के रूप में अभी साथ में कार्य कर रहे ऐसे हमारे राम कुमार भट्ट जी, सहयोगी के रूप में मेरे साथ प्रभारी के रूप में और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय संतोष पटेल जी, जिला के महामंत्री आदरणीय गोपाल जी, भाई युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय शर्मा जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्षा देव कुमारी जी, और मेरे सामने सभी वरिष्ठगण सभी कार्यकर्ता विराजमान हैं। आज के इस हमारे पूर्व सांसद जी भी आदरणीय असेफ जी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का जिला की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सभी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, जनपद के हमारे अध्यक्ष कवर्धा और पंडरिया के इन लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का मैं कबीरधाम जिला की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस जो वर्चुअल रैली जनसंवाद रैली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि को लेकर के हम सभी कार्यकर्ता घर घर हमारे मोदी जी के जो अस्मरणीय का कार्यक्रम जो हुए हैं, सभी को हमारे कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बूथ के हिसाब से 10-10 घर में सभी लोग जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी विषयों में एक साल के अंदर में आत्मनिर्भर भारत के विषय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े विषयों में कार्य किए हैं। 50-60 साल पुराने मुद्दे को एक साल के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री जी कर दिखाए हैं। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा 370 जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ऐसे विषयों को भी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी सफल किए हैं। हमारे देश के मुस्लिम बहनों जो बहुत ही प्रताड़ित थे 3 तलाक के विषय में, उसको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक साल के अंदर में ही हमारे मुस्लिम बहनों जो पीड़ित थे उनके भी विषय को ध्यान में रखते हुए उस निर्णय को पास किए। आतंकवाद के क्षेत्र में भी जो स्थिति बनी हुई थी, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी अभी हाल में लद्दाख के पास हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हुए, ये चीन वाकई में इसका नाम चीन नहीं नीच होना था जो इस तरह की कर्म किए हैं। राम मंदिर का भी विषय बहुत दिनों से
पेंडिंग था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे रामलला का भी उस विषय को पूर्ण किए हैं। आज के विषय में मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए प्रदेश के सभी जो हमारे आज के प्रवक्ता अतिथि गण हैं उनको मैं बहुत बहुत जिले की ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आने वाले समय में आज देश में जो कोरोना की महामारी पूरे देश में आज विकराल स्थिति है, उस विषय को भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत ही सरल ढंग से आज कोरोना के क्षेत्र में भी देश में आज अन्य देशों को अपन देखें, चीन है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, वहां की स्थिति देखने के बाद हमारे हिंदुस्तान में सूझबूझ के साथ यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य किए हैं, नहीं तो आज देश के प्रधानमंत्री अगर एक सक्रिय नहीं रहते तो आज देश में बहुत भयावह स्थिति रहता। ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी भी मैं सभी हमारे देशवासियों को और जिले वासियों को इस कोरोना के महामारी से तीन चीजों का खासकर ध्यान दे, मास्क हमेशा लगा करके चले, सैनिटाइज करें और दूरी बना करके रहें, सोशल दूरी बना करके रहें, क्योंकि बरसात का मौसम है और वैसे भी आज बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना की पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जन है जीवन है तो जहान है, आप सब लोग सुरक्षित रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। जिलाध्यक्ष जी के प्रस्तावना के पश्चात मैं राजनांदगांव क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्मानी श्री संतोष पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के जिला जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन देवे। आदरणीय संतोष पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी के आज वर्चुअल जनसंवाद में उपस्थित सम्माननीय हम सबके भाजपा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विक्रम उसेंडी जी, हम सबके मार्गदर्शक और संगठन में सब प्रकार से जिनका मार्गदर्शन मिलता रहा, पूर्व संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, साथ ही इस वर्चुअल रैली के और संयोजक के रूप में पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेश मुणत जी, सम्माननीय भूपेंद्र समन्नी जी जो सब प्रकार से व्यवस्था रैली की और सह संयोजक के रूप में है, आदरणीय अशोक बजाज जी, आदरणीय दीपक मस्के जी एवं सोशल मीडिया की पूरी टीम और साथ ही भाई मार्कंडे जी, यहाँ उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी, श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, श्री अशोक साहू जी दोनों पूर्व विधायक वर्तमान में, और ऐसे जिला पंचायत के सदस्य और जिला का अध्यक्ष भी कहें, जिला पंचायत की सब प्रकार से पूर्व में भी अध्यक्ष रहे भाई राम कुमार भट्ट जी, पूर्व अध्यक्ष रहे श्री संतोष पटेल जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई
विजय शर्मा जी और इस रैली में शामिल हमारे पूर्व सांसद भाई अभिषेक सिंह जी, यहाँ मीडिया का सब प्रकार से काम आईटी का संभालने वाले भाई दुर्गेश जी, यहाँ भी मंच में विराजमान सम्माननीय गोपाल जी, देव कुमारी जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय गज्जू भैया से लेकर के जसविंदर से लेकर के नगर पालिका के और सभी निकाय के उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, बहनों भाइयों, वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ है और एक वर्ष के कार्यकाल के लिए हम सभी इस कोरोना के संक्रमण काल में, महामारी के समय में भी उसी प्रकार से सबसे संवाद, सबसे चर्चा, रूबरू होने का काम, सभा को संबोधित करने का काम, रैली करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल प्राण है या जिसको कहे कि जन जन से संपर्क, सतत प्रवास, जनता के बीच रहना और साथ साथ अपने जो क्रियाकलाप है, अपने जो कर्तृत्व है, हमने जो किया है उसको जनता के सामने प्रस्तुत करना, ये विशेषता रही है। और इसी सूत्र के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 1980 में शुरुआत होकर के आज 2020 में इस स्थिति तक पहुंची। हम सभी जानते हैं जब इस देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी आई, जब मिलने के लिए भी प्रतिबंध कर दिया गया था, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता, धारा 144 लगी है, कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई सत्याग्रह नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं कर सकता। उस समय भी हमारे कार्यकर्ता अपने तरीके से बैठक भी कर लिया करते थे और अपने तरीके से सभी कार्यक्रमों का संचालन किए, सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। जनसंघ से लेकर के अभी तक के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सभी जाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम कैसे करना। और इस राष्ट्र के लिए हम कहते हैं राजनीति हम राष्ट्र के लिए करते हैं, राजनीति अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए नहीं करते। राजनीति करते हैं तो पहले कहते हैं फर्स्ट नेशन, और जब राष्ट्र की और राष्ट्रीयता की बात होती है तब इस देश में पहले ही नाम लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में भी जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है विगत 3-3.5 महीने से हम सभी देख रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि उन्होंने जो काम किया है उसकी यदि बखान किया जाए, उसका यदि सब प्रकार से जितनी बधाई दी जाए, जितनी बढ़ाई दी जाए वो कम है। इस रैली में मैं यहां से भी शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारे भारत और चाइना के बॉर्डर पर हिंसक झड़पों में बाबू संतोष और छत्तीसगढ़ के गणेश कुंजाम जो शहीद हुए, उनके साथ में 20 सैनिक आज जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ और जितने भी जिला के लोग जो मेरे साथ इस रैली में जुड़े हुए हैं, हम सभी उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने। हम उनको नमन करते हैं जिस पथ पर अपना शीश को चढ़ाने के लिए, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वो बिहारी रेजिमेंट का हमारा नौजवान जो तेलंगाना का था, चाइना की सीमा पर छत्तीसगढ़ का था। बात राष्ट्र की थी, जब राष्ट्र की चर्चा होती है तो संकुचित विचार कौन किस गांव का है, किस समाज का है, किस प्रदेश का है, ये बात ध्यान में नहीं रहती।
और ऐसा करने वाले पहचाने जा चुके हैं। आज के इस समय में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उसकी जो उपलब्धियां हैं हम सब नीचे तक पहुंचाने के लिए, यह एक कदम है, एक स्टेप है। हम सभी जानते हैं किसी भूमि पुत्री के खातिर भस्म हुई लंका सारी, सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी, युगो युगो से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस वसुंधरा के लिए यहां महाभारत हुआ है। चाइना धोखे में अपना रहा है, यह 1962 और 65 और यह वो नेहरू नहीं है, उस समय के वो गांधी नहीं है, उस समय के प्रधानमंत्री नहीं है, यह 2020 है और इस 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यदि उसके उस ढंग से कहीं घमंड पूर्वक चुटकी भी बजाया गया तो इधर तमाचा देने के लिए तमंचे ही नहीं, यदि उधर से गोली आई तो इधर से गोला भेजने के लिए हमारी तैयारी है। आज हिंदुस्तान किसी भी दृष्टि में पीछे नहीं है। आखिर ये चाइना खीजा क्यों, चिढ़ क्यों? तब हम सबको ध्यान में आता है कि चाइना के खींचने के गलवान घाटी में जो घटना हुई उसके कुछ कारण है। ये वायरस देते हैं, इनको अब पूरे विश्व चाइना वायरस कहता है। चाइना के साथ चीन देश नहीं कहता, उसको वायरस कहता है, उसको वुहान वायरस कहता है, उसको रोगी कहता है। मित्रों, आज चाइना के साथ जिस प्रकार से बदनामी जुड़ गई है ये अपने बदनामी से परेशान है। आज चाइना के अंदर 1000 से ऊपर जो वहां के जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं, वो चाइना को छोड़ना चाह रहे हैं। आज वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी हालत खराब है। ये शी जिनपिंग जो है, आप लोग सुने होंगे कि एक तानाशाही दक्षिण कोरिया में है, वो भी कम्युनिस्ट है। जहां जहां इस विश्व में कम्युनिस्ट हैं वहां वहां तानाशाही है। ये तानाशाह ने अपने आप को चाइना में घोषित कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा चाइना का राष्ट्रपति बन करके रहूंगा। और जिस प्रकार से तानाशाही तरीके से और एक्ट में संशोधन हुआ चाइना के अंदर और आजीवन वो जो बन चुका है, आज पूरे चाइना के अंदर सभी नौजवानों के, यूथों के, नागरिकों के, वहां के लोगों के मन में ये बात है, ये आदमी जीवन भर रहेगा, ये हम पचा नहीं सकते, ये बदलना चाहिए, यहां भी लोकतंत्र होनी चाहिए। चाइना के अंदर अंदर ही अंदर ये बात चल रही है उसको भी दबाने के लिए। और आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पहाड़ों को चीरते हुए सुरंग बना करके चाइना के बीजिंग के चौखट तक हम पहुंच चुके, सड़क बना करके। आज लद्दाख की तराइयों में हमारे एयरपोर्ट बन चुके। आज हमारा अपाचे मिग 2000, आज जिस प्रकार से राफेल आया है जुलाई में, हमारे सभी राफेल गर्जना के साथ, गड़गड़ाहट के साथ इस धरती का चुंबन करने वाले हैं। खीज उस बात की है, चेड़ इस बात की है कि अब भारत बढ़ रहा है। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू जो कम्युनिस्ट को साथ देती थी, या जिसके सोनिया या राहुल या जिसके मनमोहन सिंह थे, अकेले में बैठ करके वहां के एम्बेसडर के साथ ये पार्टी किया करते थे, अब वो शासन नहीं है। अब तो इस देश के अंदर सीमा में जहां जहां भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं वहां हलचल बढ़ गई है, वहां सर्चिंग बढ़ गया है, वहां पेट्रोलिंग बढ़ गई है। वास्तव में चिढ़ इस बात की है। और ये जो घटना हुई, ये घटना उसी का प्रतीक है। भाइयों बहनों, ये युद्ध नहीं है, ये मात्र झड़प है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और युद्ध में, झड़प में यदि किसी प्रकार की हिंसक घटना होती है तो हमारे इस प्रकार के जितने भी सेना के सेनानी हैं, ये अपने प्राणोत्सर्ग के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में तैयार रहते हैं। और वो धोखे में है चाइना। हमारा दायित्व तो क्या बनता है ऐसे समय पर,
हमारे भी दायित्व तो हैं, मैं उस पर चर्चा थोड़ी सी करूंगा, किंतु मैं और बताना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हमारी स्थिति है और भारत संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, भारत ने विशाल सुरंगों वाली सड़क पर जो पर्वतों को चीरकर बनाया है, सबसे देश का लंबा सुरंग भूपेंद्र हजारिका सेतु बनाया है, इसकी चिढ़ है। देश की सबसे लंबी चिनारी नौशेरा सुरंग बनाया है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बना है, इसकी चिढ़ है। देश की पहली न्यूक्लियर सबमरीन 2016 में मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने नौसेना में इसको शामिल किया, उसकी चिढ़ है। 6 पनडुब्बियां अभी लाइन से आने के लिए तैयार है। आज 2098 में अटल सरकार ने सुखोई लड़ाकू विमान खरीदा था, कांग्रेस की 10 साल के शासन में एक भी नहीं खरीदा गया, इसकी चिढ़ है। मोदी की सरकार ने लड़ाकू, वो हमारे विमान आने वाले हैं। मित्रों, आज एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला लेह कारगिल लद्दाख बनाया जा रहा है, जो सेना के लिए और अति आवश्यक है। इस प्रकार से अनेक, मैं आप सबके नौजवानों को और देश को और हमारे जिला के जितने भी हमारे बंधु हैं, हम सबको ये जानना जरूरी है। मैं आप सबसे केवल इतने ही कहते हुए, माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी संकेत हो गया कि हमारे और भी सभी यहाँ प्रदेश के भी नेतृत्व हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हैं, स्वाभाविक है। मैं इतने ही कहते हुए, इसके बावजूद भी आज चाहे जिले की बात हो, राष्ट्र के साथ साथ जब जिले की बात करते हैं तो एक सांसद होने के नाते जब इस कवर्धा जिले की वर्चुअल रैली में हम उपस्थित हैं, मित्रों सबसे पहले 1 करोड़ रुपया इस वायरस के लिए, इस संक्रमण के लिए देने की घोषणा हमने की। इसमें कोई एक व्यक्ति के नाते नहीं, इसमें आपकी ताकत, आपकी प्रेरणा, इसमें आप सभी सहभागी हैं। मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो इस भावना से कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम, ये आपका दिया हुआ, आपका समर्पित। और यहाँ राजनांदगांव से साथ साथ कवर्धा के लिए वेंटिलेटर की देने की भी बात, आज 250 करोड़ से ऊपर ये कहें कि सड़कों का जाल निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गडकरी जी ने उसको पास किया। इसके अलावा भी महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ऐसे अनेक सड़कों का भी निर्माण हमने, और राजनांदगांव जिले में अनेक कार्य सब प्रकार से हुए हैं। किंतु आज जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो यहाँ इसके विषय में कहा जाता है कि रेत के खदान तो बच नहीं रहे हैं, मुरुम के खदान तो बच नहीं रहे हैं। आज खुदाई का काम बंदरमाठ चालू है, और यदि देखें और तो अब जमीन बेचने की भी तैयारी हो गई, यहाँ जो खाली जमीन है उसको भी बेचने की भी तैयारी हो गई है। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। आइए हम सब मिलजुल करके इस प्रदेश की सरकार को चेतावनी देते हैं और साथ ही हमारी इन उपलब्धियों को नीचे तक लेकर के जाएंगे। आप सब ने मुझे सुना, मौका दिया, प्रदेश के लोग भी सब प्रकार से मुझे, इसी प्रकार आप सबका स्नेह बना रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री संतोष पांडे जी, अभी आपका उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। मित्रों, 2014 में इस देश में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा के साथ पूरे देश में कार्य प्रारंभ किया और उनके द्वारा बहुत सारे जो निर्णय लिए गए और जिसके कारण आज हर भारतवासी इस बात को कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शानदार और चमकदार उपलब्धियों को लेकर मैं सादर आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन के पूर्व महामंत्री आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी को कि वे आए और हम सभी को संबोधित करें।
आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कालखंड के एक वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी कार्यक्रम के तारतम्य में जिलों में जन संवाद के नाते कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज कबीरधाम जिला में जिला संवाद के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री विक्रम हुसैंडी जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं मंच पर। हमारे इस जन संवाद जिला जिला जो कार्यक्रम चल रहा है उसके हमारे संयोजक पूर्व मंत्री श्री राजेश मुणत जी सह संयोजक के नाते और इस काम को देख रहे हैं श्री भूपेंद्र सवनी जी, पूर्व हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं रहे हैं। हमारे आज संकल्प दिलाने के लिए मंच पर उपस्थित हैं सहकारिता क्षेत्र में लंबे अवधि से काम कर रहे हैं और अपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन भी रहे, ऐसे श्री अशोक बजाज जी, हमारे आईटी सेल के प्रदेश के संयोजक दीपक मस्के जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन पवन साय जी, पूर्व विधायक, प्रदेश के मंत्री नवीन मारकंडे जी और विशेषकर इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया की दृष्टि से काम देख रहे ऐसे तमाम बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम में जनसंवाद कबीरधाम जिला के कार्यक्रम में विशेषकर हमारे कबीरधाम जिला के अध्यक्ष भाई अनिल ठाकुर जी, इसी प्रकार से अभी अभी जिनका ओजस्वी और प्रभावी उद्बोधन हो रहा था हमारे उस क्षेत्र के सांसद राजनांदगांव लोकसभा के और कवर्धा के ही और निवासी और विशेषकर प्रदेश के महामंत्री भी हैं, उनका वक्तव्य अभी हम लोगों ने सुना। हमारे सम्माननीय श्री डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी जी, हमारे पूर्व विधायक अशोक साहू जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत के भी अध्यक्ष रहे राम कुमार भट्ट जी और अनिल जी के साथ इस कार्यक्रम के और उनके साथी भी प्रभारी के नाते, हमारे विदेशी राम ध्रुवी जी, रघुराज सिंह जी, संतोष पटेल जी अध्यक्ष जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष, हमारे गोपाल साहू जी जिला महामंत्री, दुर्गेश ठाकुर जी प्रदेश में आईटी सेल काम देख रहे हैं वहाँ पर, और श्रीमती देव कुमारी चंद्रवंशी जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी भी और जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम हमारे बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक के
विभिन्न दायित्वों को संभालने वाले ऐसे जिले के पदाधिकारी, ऐसे मोर्चे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये जो जनसंवाद है और कठिन परिस्थितियों में आप तक पहुंचने का यही एक माध्यम है, और निश्चित रूप से आप सब लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं अपने तरफ से आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये कबीरधाम जो जिला है बहुत ऐतिहासिक जिला है। गोरमदेव के नाम से हम सब लोग जानते हैं, नागवंशी राजाओं के काल से उनके माध्यम से स्थापित, और स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक नगरी के नाते भी जानते हैं, लेकिन वो विषय में न रखते हुए वर्तमान में जिस प्रकार से पूर्व में भी चूंकि सब बातों का उल्लेख हुआ है, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का भी नेटिव प्लेस है, और इन 15 वर्षों में जिस प्रकार से कबीरधाम नगर को, जिस प्रकार से कवर्धा नगर को विकसित किए हैं, निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हुआ है अपने आप में वो भी ऐतिहासिक है। तो ऐसे कबीरधाम जिला में जनसंवाद कार्यक्रम में हम सब लोग बैठे हैं, और निरंतर जब से लॉकडाउन हुआ है विभिन्न प्रकार के अभियान चले हैं, उन अभियानों में हम सब लोगों ने भूमिका निभाया होगा, चाहे संकट के कालखल में, चाहे पैकेट वितरण का मामला हो, मास्क वितरण का मामला हो, सैनिटाइजर वितरण का मामला हो, या इसके जागरण के लिए साफ सफाई से रहना, हाथ धोना इत्यादि तमाम सारी चीज़ें होगी, सब में हम सब लोग जुटे हुए हैं। और ऐसे वॉरियर्स के नाते हमारे स्वास्थ्य जगत के, हमारे सुरक्षा जगत के, स्वच्छता अभियान में लगे हुए ऐसे तमाम वॉरियर्स आप लोगों सहित सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे भी लंबे अवधि तक, चूँकि ये वैश्विक संक्रमण है और ऐसे समय पर कुछ चीज़ों का बहुत लंबे अवधि तक हम सब लोगों को स्वयं भी जागृत रहना है, दूसरों को भी जगाना है, और विशेषकर मास्क, सैनिटाइजर वितरण, उसका उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लंबी अवधि तक करना पड़ेगा जिस प्रकार का परिदृश्य है। और इसलिए इसके लिए हम सब लोग जागृत भी रहें, जागृत करते रहें और इस काम पर जुटे रहें। बंधुओं, बहुत व्यापक चर्चा अभी माननीय सांसद जी ने किया है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में हम सब लोग आज जिस स्थान पर खड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने त्याग बलिदान का इतिहास रचा है, और प्रारंभ से ही जिन विचारों को लेकर के वैचारिक यात्रा 1925 में, राजनीतिक यात्रा 1951 में जनसंघ के रूप में प्रारंभ करके, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज देश और दुनिया में भारत का एक स्थान बन चुका है, और इसलिए इसकी संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। हमारी राष्ट्रीयता, हमारी लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता के दृष्टि से तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के, चाहे जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष यात्रा में एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बातें हम सब लोगों को समय समय पर चर्चा होती रही है, होती है, लेकिन आज एक मुद्दे पर
हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मरण केवल करते हैं, बाकी उसके बारे में पहले भी चर्चा हो गई यहाँ पर, संतोष जी ने भी उस विषय पर थोड़ा स्पर्श कर ही दिया है, लेकिन उनके जीवन की घटना से जुड़ी हुई हमारे ये जो संघर्ष के इतिहास है, बलिदान के इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। परमिट सिस्टम समाप्त करना है। आजाद भारत में परमिट सिस्टम से जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलता था और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया जनसंघ के स्थापना के तुरंत बाद से ही। और हम सब लोग जानते हैं कि वो गिरफ्तार हुए और 23 जून अभी आने वाला है, 23 जून 1953 वो इस देश की एकता अखंडता के लिए इस देश की ऐसे धाराएं जो अन्य प्रदेशों से जम्मू कश्मीर को अलग करता था, निश्चित रूप से वो बलिदान हो गए। लेकिन उनकी जो स्वप्न था, उस समय काम करने वाले, स्थापना कालखंड में काम करने वाले ऐसे हजारों लाखों जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी सपने थे, ये सपनों को साकार करने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूसरे कालखंड के पहले ही वर्ष में 370 धारा और 35 हटा करके किया। जिस श्रीनगर जम्मू कश्मीर में गोलियां चलती थी, आतंकवाद गोलियां बरसाते थे, विकास ठप था, आज दो स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और विकास की यात्रा बढ़ चुकी है, आज शांति है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर की 370 धारा हटना, 35 ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के और बलिदान से जुड़ा हुआ है। और ये काम अगर हुआ है तो इस देश की एकता अखंडता के लिए, और कहते थे हम लोग कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, नारे भी लगाते थे, लेकिन बंधुओं साकार हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, निश्चित रूप से ऐसे बहुत से ऐतिहासिक काम हुए हैं। राम जन्मभूमि की इतिहास की गाथा भी बहुत लंबी है। 1526 से आंदोलन प्रारंभ हुआ, लाखों लोग बलिदान हो गए होंगे, लेकिन ये भी सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आज न्यास की गठन हुआ है और उस गठन के माध्यम से संपूर्ण निर्माण की देख रेख में सारा काम चलने वाला है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे इस राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के दृष्टि से हमारे अनेक नेताओं ने जन आंदोलन किया। हमारे अडवाणी जी राम रथ यात्रा निकाल करके पूरे देश को जगाने के काम किया। ऐसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण चलते रहे, लेकिन बंधुओं अभी वो साकार हो गया, ये बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए ये सब जो बातें हैं, ये हम सब लोगों के लिए उसके इतिहास के पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, तब इसकी उपलब्धि कितनी कठिनाइयों में से हुई है ध्यान में आएगा। 3 तलाक की भी बातें करते हैं, वास्तव में मुस्लिम महिलाओं को कितनी प्रताड़ना मिलती थी, 3 तलाक की कानून बना करके आज एक अमन चैन से वो जिंदगी बिता सके, उसकी सुरक्षा हो सके, निश्चित रूप से ये भी एक ऐतिहासिक डिसीजन है। ऐसा ही बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों की चर्चा शायद यहाँ पर करना कितना उपयुक्त होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे सिख बंधुओं के लिए बहुत ये रहता था, जिसको हम सब लोग कहते थे करतारपुर गलियारा, वहाँ के गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए आने जाने का मार्ग बंद था और बहुत खतरा बना रहता था। अब वो मार्ग प्रशस्त हो गया। हमारे पूर्वांचल में जटिल बहुत से समस्याएं रहती थी, अब बुरियांग समझौता, अब ये लगातार 23 वर्षों तक ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की कुशलता और उनके टीम के, हमारे गृह मंत्री हैं
अमित शाह जी निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में इतनी जटिल समस्या का समाधान हुआ। आज पूर्वांचल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बोडो समझौता, आए दिन आंदोलन होते रहते थे, तो ऐसे बहुत से सारे विषय हैं जो इस राष्ट्र के आंतरिक समस्या और शांति समाधान करके शांति व्यवस्था बनाए रखने में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए नीतियां बनी और विकास के कामों की गाथा तो अनंत है। तो इसलिए क्योंकि अभी हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, तो विकास के दृष्टि से अटल जी के जमाने से जो काम शुरू हुआ और नरेंद्र भाई मोदी जी जब बने तो एक नए भारत को गढ़ने के दिशा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीट पूर्ण बहुमत के साथ पहले बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और चुनाव हुआ और पहले बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जनता ने आशीर्वाद दिया, एनडीए की सरकार बनी और ये 5 साल आयुष्मान भारत, जनधन योजना से गरीबों की खाता खोलना, ऐसे बहुत से सारी योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ऐसे छोटे छोटे योजना जो नीचे के लोगों के उत्थान के लिए बना हुआ है, निश्चित रूप से जितना कहें उतनी कम है। 5 वर्षों में जनता का विश्वास जीता, क्योंकि जिस सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ पहली 5 वर्ष की सरकार चली थी और निश्चित रूप से जनता का विश्वास जीता। और जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो 303 शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके आए और एनडीए मिला करके तो 350 तक चला गया। जनता ने ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया और इसलिए काम भी ऐतिहासिक हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, 1 साल की ही इतनी बड़े बड़े काम हुए हैं। आने वाले समय पर ये जो भारत है, पहले स्वाभाविक रूप से पहले 5 वर्ष में दुनिया के बहुत से देशों में मोदी जी गए, चाहे विदेश नीति को समझना हो चाहे दुनिया को समझना हो, और आज भारत सुदृढ़, सब दृष्टि से सुदृढ़ भारत के नाते खड़ा है। आतंकवाद समाप्त हो हर मंच पर उठाते हैं वो, और भारत किसी न किसी रूप में नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, विश्व के नेतृत्व करने के दिशा में और काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये अभी कोरोना का संकट आया, इसमें भी कई देशों को यहां से कोरोना से बचने के लिए दवाई पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे बहुत से सारे विषय हैं जिस विषय को लेकर के और मोदी जी काम प्रारंभ किया है। आत्मनिर्भर भारत, अब ये एक मिशन भारत, उन्होंने घोषणा कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च 2020 को 1,70,000 करोड़ रुपया आवंटित करके काम शुरू कर दिया। तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे छोटे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रारंभ करने की दिशा में, ऐसे तमाम लोग छोटे छोटे मनरेगा में काम करने वाले, तो इसलिए जनधन योजना, ऐसे तमाम सारे चीज़ें जो है नरेंद्र भाई मोदी जी और इस समय काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि, यानी ऐसा नहीं जो गरीब है, दुखित है, बुजुर्ग भी हैं जो असहाय है उनके लिए भी है। कृषि क्षेत्र में कृषि की आय को दुगुना करने की दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि संरचना, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और खड़ा करना है। और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है स्वदेशी, वैचारिक दृष्टि से स्वदेश, स्व अपने देश के प्रति और अपनी धारणा
बदलने की आवश्यकता है। ये मेरा देश है और इसका इसको आत्मनिर्भर बनाने में मेरी भूमिका रहेगी, इसलिए स्वदेश अपने देश में निर्मित वस्तुओं को हम खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे। हमारे गांवों में और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से छोटे छोटे काम करने करके और जो उत्पाद करते हैं उनके सामानों को हम खरीदेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम हमारी योगदान और भूमिका होगी। तो इसलिए वास्तव में और इतने काम आने वाले समय पर और होंगे, अभी तो एक वर्ष की ये विकास की गाथा हम सब लोग गा रहे हैं, आने वाले समय पर बहुत से संरचनात्मक दृष्टि से भी हम सब लोग खनिज निगम का देखते हैं किस प्रकार की नीतियाँ कि जिस जिले में खनिज उत्पादन होता है उसका उपयोग और वहाँ किस प्रकार से ये पहला कई ऐसे नीतियाँ हैं कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन रक्षा उत्पादन रोजगार बढ़ावा देने के लिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं। और ऐसे ही COVID-19 ये जो कोरोना आने के बाद उन्होंने लॉकडाउन से प्रारंभ करके और जान है तो जहान है ऐसे तमाम सारे चीजें लॉकडाउन के माध्यम से इस जनता को सजग करने की दिशा में उन्होंने जो काम किया वास्तव में इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को और कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं था, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है ऐसा जो विषय चल पड़ा है उनके जीवन के साथ जुड़ गया है, जनता का विश्वास है नरेंद्र मोदी है तो कोई भी संकट आएगा हम उससे निजात पा लेंगे। तो ये जो COVID-19 है इससे भी निजात पाने की दिशा में और विभिन्न प्रकार की और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो कदम लिया जिसका परिणाम है आज देश उनके साथ चल पड़ा है और ये विश्वास है कि इस कोरोना से भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उनका बड़ा आग्रह है आने वाले समय पर हम सब लोग विशेषकर कवर्धा जिला में जो अभियान चला है बहुत व्यापक ये अभियान चला है तो मैंने प्रारंभ में ही इसलिए धन्यवाद भी दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले समय पर ये जो विषय है ये तीन विषय पर बहुत स्पष्ट मोदी जी का आग्रह है, मास्क का वितरण लोगों तक पहुंचाना, सैनिटाइजर वितरण और साफ सफाई के दृष्टि से ध्यान रखना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन बातों का बहुत आग्रह किया है क्योंकि लॉकडाउन फिर से नहीं होगा लेकिन अनलॉक वन और अनलॉक टू इस प्रकार से अलग अलग कुछ सुविधा भी देंगे, कुछ व्यवस्था भी कड़ाई करेंगे और इसके हिसाब से पूरे देश को नियंत्रित करने का प्रयास भी कुछ प्रदेशों को छूट भी दे रहे हैं और पूरा नियंत्रण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक तरफ विकास की गंगा बहा रहे हैं, देश की एकता अखंडता और इस देश की मजबूती के दृष्टि से और एक दिशा पर चिंतन चल रही है और आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए अभी एक पैकेज की उन्होंने घोषणा किया है 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा करके निश्चित रूप से उनकी जो भावना है विचार है जनता के सामने उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है, उसके माध्यम से रोजी रोजगार से लेकर के तमाम गरीब दुखी पीड़ित बेरोजगार सबको रोजी रोजगार देने के लिए जो साधन सुविधा व्यवस्था उन्होंने खड़ा करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ है जनता का विश्वास जग रहा है कि इस देश को आगे बढ़ाना है, संकट से उबारना है और जो भी चुनौती आ रहा है उस चुनौती में से विजय प्राप्त करना है, उसको अवसर में बदलना है। इस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति में और कार्य क्षमता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी में है और इसलिए उनके नेतृत्व में और ये सारे काम जो है और चल रहे हैं। बहुत से बात कहने के लिए है, आज के इस निर्धारित समय पर जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे ऐसे लगता है कि कवर्धा जिला के सभी कार्यकर्ता बहुत जागृत कार्यकर्ता हैं, माननीय सांसद जी का प्रभावी उद्बोधन अभी हुआ ही है और हमारे बाकी पूर्व सांसद जी का हमारे बाकी पूर्व जिला अध्यक्ष तमाम लोग गतिशील रह करके और बीच बीच में सारी बातचीत होती रहती है और बहुत से मोर्चे प्रकोष्ठ के उपक्रम अभी चल ही रहे हैं। निश्चित रूप से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, संबंध स्थापित करना और संकट में भी पार्टी की गतिविधियों को चलाना ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चल रहा है निश्चित ही और ये बहुत प्रभावी योजना है। इस योजना को हम सब लोगों को जो भी काम और कार्यक्रम आगे आता है उसको प्रभावी
निभाना है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुटे और कबीरधाम जिला के सभी कार्यकर्ता जो प्रत्यक्ष मंच में हैं और जो दूर दूर से और किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय पर कोरोना से लड़ते हुए विजय प्राप्त करने का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और बाकी हमारे प्रदेश के और ये जो सब दृष्टि से फेलवर हो चुका भूपेश सरकार को संघर्ष करने के लिए आह्वान करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता जी हम सब लोगों के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, अभी हम सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन के पूर्व महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मित्रों, 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने देश को डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया था और वास्तव में उनके द्वारा डिजिटल इंडिया बनाने के लिए इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए और जिसके कारण इस संकट के समय जब हम बड़े आयोजन नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही चाहे हमारी राजनीतिक गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, चाहे आध्यात्मिक गतिविधियां हो, चाहे शैक्षणिक गतिविधियां हो, ये सभी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव हो पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकट को भी अवसर के रूप में बदलने का आग्रह किया है और उनके द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया गया कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। उनकी एक साल की उपलब्धियां और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु जो लिया गया संकल्प, इन सारे विषयों को लेकर मैं आज के जिला जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनके पास एक लंबा अनुभव संगठन में कार्य करने का भी, साथ ही सरकार में मंत्री के रूप में भी रहे, सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। और ऐसे वरिष्ठ नेता आदरणीय मैं श्री विक्रम उसेंडी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आज के जिला जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री विक्रम उसेंडी जी। कवर्धा जिला, जिला संवाद का ये कार्यक्रम जहां प्रमुख रूप से अभी जिनका उद्बोधन हो रहा था हमारा, ऐसे संगठन के दृष्टि से पूर्व महामंत्री रहे आदरणीय राम प्रताप जी, साथ में यहां पर उपस्थित हैं आदरणीय भूपेंद्र सवर्णी जी, सहकारिता क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़े आदरणीय अशोक बजाज जी, यहाँ पर आदरणीय पवन साहब भाई साहब, साथ में यहाँ पर मुरत जी और कवर्धा जिला के सम्मानी हमारे वहाँ के सम्मानी सांसद संतोष पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं, साथ में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, अशोक साहू जी, रामकुमार भट्ट जी, विजय शर्मा जी, सुशील भट्ट जी, विदेशी राम ध्रुवे जी, रघुराज सिंह जी, संतोष पटेल जी, गोपाल साहू जी, दुर्गेश ठाकुर जी, देव कुमारी चंद्रवंशी जी सहित सभी हमारी पार्टी के वहाँ के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुगण। अभी केंद्र सरकार के ये 30 मई को
एक साल का कार्यकाल होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल रैली के साथ साथ एक जनसंवाद का कार्यक्रम, और उसके दृष्टि से ये अभी वर्तमान का जो समय, जिस प्रकार से वैश्विक दृष्टि से देखें तो वैश्विक महामारी इस कोरोना के चलते, और जिस प्रकार के जो स्थिति 22 तारीख को आप सबने जनता कर्फ्यू, उसके साथ ही साथ 24 तारीख से लॉकडाउन, मैंने पूरे 85 दिन से ज़्यादा का समय, और उसी बीच में हमारे केंद्र सरकार की एक साल की उपलब्धि, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन एक साल की उपलब्धि के बारे में निश्चित रूप से आप सब अभी हमारे आदरणीय राम प्रताप जी, हमारे सांसद संतोष पांडे जी बता रहे थे। और मैं तो कहना ये चाहूँगा कि चूंकि ये दूसरे कार्यकाल का एक साल, और एक साल के कार्यकाल में हम लंबे समय से हम देखें, चाहे वो हमारे घोषणा पत्र में जनसंघ के समय की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की जब भी घोषणा पत्र में बहुत सारे जो बातें थी, उसका जो एक साल के अंतर्गत उसका निराकरण करके जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्णय लेते हुए ये जो काम हुए हैं ऐतिहासिक, और ऐसे जो कार्य करने के लिए निश्चित रूप से आप सबके तरफ से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो बधाई, जिन्होंने ऐसे जो कार्य किए जहाँ पर जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जहाँ पर हमारे भारत का ही अभिनंग, जो जम्मू कश्मीर, जिस प्रकार की जो बातें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी लंबे समय से वहाँ की जो बात रखते आ रहे थे, जिसके बारे में आदरणीय पवन अब ये बता रहे थे राम प्रताप जी, कि उसका निराकरण 370 हटा करके 35 ए का निराकरण, अब भारत में जिस प्रकार से वहाँ पर विकास के दृष्टि के साथ साथ उसको जोड़ने का बड़ा निर्णय, उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से अगस्त अभी इसमें ही आप देखें तो ये 3 तलाक का बिल पारित करना हो, उसके साथ ही साथ जिस प्रकार के बातें, चाहे वह नागरिक संशोधन कानून जो सीए का बड़ा निर्णय, ऐसे बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, वाकई ये बड़े काम जिनके बारे में हमारे, मैं तो कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति, जो डायनेमिक पर्सनालिटी के व्यक्ति जिनके नेतृत्व में ऐसे बड़े काम हुए हैं, और जिस प्रकार का निर्णय जब हम 2014 में बात करें, 14 का जो कार्यकाल जिस प्रकार से जब चुनाव हुए तो 282 सीट, जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को गठन होने के बाद जब 1984 में जब चुनाव हुए तो हमारे मात्र 2 सांसद जीत करके आए थे, तब वो विपक्ष वाले कई बार वहां पर बता दें लोकसभा में एक हंसी मजाक में करते थे, हम दो हमारे दो, इस टाइप बातें होती थी, लेकिन जहां 1984 और 2019 इस कार्यकाल की बात देखें तो 84 से लेकर के जो 2019 के बीच में सीधा 2 से बढ़कर के कहां 303 की संख्या पहुंचना, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक उपलब्धि, और इस प्रकार का जो काम मैं समझता हूँ राजनीतिक इतिहास में और भी विश्व के कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार से इन 35 साल के इसमें इतनी बड़ी लंबी छलांग नहीं लगाई होगी, इतना बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत आने के बाद जिन प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं, और साथ ही साथ आज मोदी जी के नेतृत्व जिस प्रकार से आज हम बात करें तो एक वैश्विक महामारी जो COVID-19 आज जिसका मतलब एक निर्णय आज विश्व में देखें तो एक वैश्विक नेता के रूप में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनका सर्वमान्य उनकी बातों को महत्व मिल भी रहा है, आज एक साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे पास तो अभी पूरे 4 साल आने वाले समय और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे और काम होने वाले हैं, और आज का मैं इस स्तर पर तो कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो काम प्रमुख रूप से उनके बारे में तो आप सब को मालूम है हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धि, प्रमुख रूप से चाहे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की बात हो, इसमें इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाने के जिस प्रकार का निर्णय 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड देने की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र में आतंकवाद को लगाम लगाने के बारे में हो, चाहे किसानों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात हो, अन्य और योजनाओं के माध्यम से बाकी और वर्गों को जोड़ने का बड़ा निर्णय, ऐसे बहुत सारे जो काम एक साल के अंतर्गत जो काम हुए हैं निश्चित रूप से ये कार्य बहुत उपलब्धि और गौरवान्वित करने वाला जो एक हमारे एक साल का कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, और साथ ही साथ आज
इस अवसर पर जिस प्रकार के जो मैं चूंकि केंद्र के संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं राज्य सरकार के बारे में भी कहना चाहूंगा, जो जिन उम्मीदों के साथ, जिस विश्वास के साथ जनता ने जो जनादेश दिया था यहाँ पर राज्य की सरकार को, यहाँ पर कांग्रेसी सरकार को, लेकिन इन 1.5 साल में देखे तो कहीं पर भी उसको क्रियान्वित करती है सरकार नहीं दिख रही। पूरे तरीके से सब हताश निराशा का माहौल, और जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सोच के चलते छत्तीसगढ़ बना था, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के जो काम करते आ रहे थे, लेकिन इन 1.5 साल में जिस रसातल की ओर ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से आप देखें तो लगातार पूरे एक प्रकार से यहाँ पर अब रेत माफिया पूरा हावी होते जा रहे हैं। अभी कल ही ये जिला पंचायत हमारे सदस्य युवा मोर्चा से जुड़े एक खूबचंद ध्रुव के साथ वहाँ रेत माफिया मारपीट करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस मांग को भी हमने भी कहा है। उसके साथ साथ यहाँ शराब माफिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भू माफियाओं का बड़ा यहाँ पर गिरोह, सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो स्थिति के अराजकता की स्थिति छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बनी हुई है, ये कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद किसानों को जहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में 1,00,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी 4 किस्तों में उनको धान का 2 साल का बोनस हो, 4 किस्तों में धान की राशि देने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं अभी तक दिया नहीं जा रहा, उसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनी है, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, ऐसे तमाम वादों के साथ साथ आज घर पहुँचे आज शराब पहुँचा कर दे रही थी, ऐसे व्यवस्था के चलते बड़ा जनता में नाराजगी है। आने वाले समय सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय ईट सीट बजाएगी, और आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को हम बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक हम पहुँचाएं, और राज्य सरकार की विफलताओं को भी लेकर के हम सबको जाना है, और आने वाले समय में इस प्रकार की जो अराजकता का माहौल बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, और आप सबको मालूम है छत्तीसगढ़ में भी ये मई जून में चल रहा था तेंदुपत्ता खरीदी का, आप सबको मैं बताना चाहूँगा करीबन यहाँ पर 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए सरकार करीबन 16,70,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य तय किया था, उसके विरुद्ध मात्र 50% से कम खरीदी के चलते भारी नाराजगी है वहाँ पर वनवासी क्षेत्र में, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार को उनको चाहे वो बीमा की राशि में कटौती की गई है, पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता था, उसके साथ ही साथ उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है 2 साल से 2018-19 का, ऐसे स्थिति है। तो इन सब बातों को लेकर के हम सबको जनता के बीच भी जाने की आवश्यकता है, और उसके साथ ही साथ आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये वातावरण छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्थिति बनी हुई है, और एक प्रकार से जो अराजकता का माहौल, और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो स्थिति निर्मित हुई है, बेवजह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जो बात अभी रेत माफिया बताएं उस प्रकार से छोटे छोटे बातों को कोई सोशल मीडिया में डाले, कहीं पर प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है, FIR कहीं, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई छत्तीसगढ़ में, उन सब बातों को लेकर के बड़ा आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इन बातों को जनता के भिजा करके सरकार के खिलाफ वातावरण तैयार करने के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। और मैं इस अवसर पर और लंबी बात ना करते हुए, जो बहुत सारी बातें क्योंकि हमारे सांसद जी ने भी अपनी बात उद्बोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धि और राम प्रताप जी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं, तो मैं समय को ध्यान रखते हुए मैं आप सबको आज कवर्धा जिला में संगठन की दृष्टि से जुड़े हुए सभी वहां पर हमारे सांसद जी, जिलाध्यक्ष सहित सभी हमारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सब एक बार पूरे मनोयोग के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को जनता भी जाकर के रखेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सड़क लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय विक्रम सैंडी जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारतवासियों से आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनके द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया,
जिसमें हमारे सभी श्रमिक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए और सभी वर्गों को ध्यान में रख के उनके लिए पैकेज दिया गया कि आने वाले समय पर हम एक मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और इसी संकल्प को लेने के लिए, हम सभी को संकल्प दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय श्री अशोक बजाज जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लेने का आह्वान किया गया है, हम सभी उपस्थित जनों को संकल्प दिलवाएं। सम्माननीय श्री अशोक बजाज जी। कबीरधाम जिले के इस जनसंवाद कार्यक्रम में विराजमान एवं विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए सभी हमारे बहनों भाइयों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम संकल्प लेंगे, मैं बोलूंगा और आप लोग उसे दोहराएंगे। अपना दायां हाथ सामने कर लीजिएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म संभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। धन्यवाद श्री अशोक बजाज जी। संकल्प के पश्चात मैं आज के कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने हेतु कबीरधाम जिला के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री राम कुमार भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के जिला जनसंवाद कार्यक्रम का उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करें। माता की। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूसरा कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धि को लेकर वर्चुअल रैली के कार्यक्रम, जन संवाद के कार्यक्रम में प्रदेश में जिला कवर्धा के संवाद कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सम्माननीय विक्रम उसंडी जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, हम सबके नेता शिल्पीकार आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, वहाँ हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक सम्माननीय भूपेन्द्र सवन्नी जी और सम्माननीय साई जी, मंच में विराजमान आईटी के प्रदेश के संयोजक सम्माननीय दीपक मस्के जी, सम्माननीय मंच में विराजमान मारकंडे जी, सम्माननीय अशोक बजाज जी, यहाँ कवर्धा जिला में प्रमुख रूप से उपस्थित
हमारे लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संतोष पांडे जी, यहाँ विराजमान जिला के अध्यक्ष भाई अनिल सिंह जी, पूर्व संसदीय सचिव सम्माननीय मोतीराम जी, पूर्व विधायक भाई अशोक जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई संतोष पटेल जी, पूर्व अभी वर्तमान में जिला के महामंत्री भाई गोपाल जी, श्रीमती देव कुमारी जी, सम्माननीय दुर्गेश जी, नितेश जी और भाई हमारे चंद्रवंशी जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी मंडल से जुड़े हुए मंडल के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता बंधु, हम सब इस वर्चुअल रैली के माध्यम से सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो उपलब्धि है उसको जन जन तक के पहुंचाए। हम हर घर हर गांव में जाकर हम जो कार्यक्रम मिला है उस कार्यक्रम के माध्यम से 10-10 लोगों को मिले, और जो कोरोना के जो महामारी है उस महामारी के जो उपाय है उस उपाय को हम स्वस्थता के माध्यम से, सोशल डिस्टेंस के माध्यम से, मास्क लगाकर हम पालन करें। स्वस्थता ही इसकी बहुत ही अनिवार्य है। हम सब यहाँ जुड़े और हमारे प्रदेश के नेतागण इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हम सबको मार्गदर्शन दिए, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राम कुमार भट्ट जी। आभार व्यक्त करने के पश्चात आज के कार्यक्रम की विधिवत रूप से समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।